कि यार भाई आपने ये नॉलेज गलत दी है, तो मैं आइंदा उस चीज़ पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस चीज़ को ध्यान रखूंगा कि हाँ इन भाई ने मुझे बताया था और वो नॉलेज गलत थी। और स्पेशली मैंने एक टारगेट रख रहा हूँ मैं आज इस वीडियो के एंडिंग में कि मुझे 10K सब्सक्राइबर चाहिए। और BHP की बात करते, पावर की बात करते, 82 BHP पे 6000 RPM का पावर देती है ये। मैक्स टॉर्क की बात करते तो 115 Nm 4000 RPM पे इसका टॉर्क आता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, होपफुली आप लोग भी अच्छे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जो आज मैं गाड़ी का शूट करने आया हूँ वो है हुंडई i20 स्पोर्ट्स VT। तो आइए गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, गाड़ी की डिटेल बताएंगे आपको। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। अच्छा, क्लिप की आती है जो ऐसे करके खुल जाती है, लॉक अनलॉक होल्ड बूट होल्ड का बटन मिल जाता है गाड़ी में, ठीक है। इस पुश स्टार्ट स्टॉप के साथ नहीं आती है गाड़ी। और अगर आप सामने से बात करते हैं तो हेलोजन बल्ब मिलते हैं गाड़ी के अंदर, नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं, बीच में ग्रिल देखने को मिल जाती है एल्युमिनियम फिनिश के साथ, भी होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छा सा। और अगर आप गाड़ी को पूरा फ्रंट लुक से देखते हो तो गाड़ी मतलब काफ़ी आई कैची लगती है देखने में, ठीक है। और अगर हम गाड़ी के साइड लुक की बात, तो साइड में आपको रिम देखने को मिल जाता है, स्टॉक टायर है, ठीक है। जो टायर का साइज़ देखने को मिलता है 185/70R14 का टायर साइज़ देखने को मिलता है, और टायर भी काफ़ी अच्छे हैं और अभी नए टायर हैं गाड़ी के, ठीक है। ये ऑटो फोल्डिंग मिरर के साथ आती है गाड़ी। जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूँगा ये बंद हो गई, और जैसे ही अनलॉक करूँगा तो ये टायर ये खुल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और आइए बूट की तरफ चलते हैं गाड़ी का। है गाड़ी का कुछ बूट ऐसा देखने को मिलता है, गाड़ी के बूट स्पेस में 295 L का बूट स्पेस मिल जाता है। साथ में ये पार्शल ट्रे देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ कनेक्ट रहती है, बट टूट गई है शायद, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको बूट बंद करने के लिए देखने को मिल जाता है, बूट आप जैसा खोलोगे उतने पे आके रुक जाएगा। ये देखिए एक्सेस साइज़ है पूरा बूट का, ठीक है। गाड़ी के अगर फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 45 L का पेट्रोल इंजन के साथ आती है ये गाड़ी, ठीक है। और अगर हम बूट बंद कर दें और रियर से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो रियर से अगर आप देखते हो तो गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लुक और आई केचे लुक के साथ आती है। यहाँ पे आपको रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है, बाकी आपको यहाँ पे 4 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, साथ में कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर बात करें तो सेम चीज़ यहाँ पे रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलती है, शार्क फिन एंटीना देखने को नहीं मिलता है गाड़ी में, नॉर्मल एंटीना के साथ ये गाड़ी आती है। आइए इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं गाड़ी के बोनेट की ओर। तो गाड़ी के बोनेट में ऊपर आपको आइसोलेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इंजन की बात करते हो तो यहाँ पे नीचे कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी ने ये चीज़ जो करी वो मुझे समझ में नहीं आया। एंड यहाँ से प्रोटेक्शन चालू है, बट यार यहाँ पे भी तो रेडिएटर वगैरह होता है, तो कुछ भी यहाँ पे भी लग सकता है, तो वो चीज़ आप देख लो। और अगर आप गाड़ी के माइलेज की बात करते तो 18.16 km का माइलेज देती है, और ये पेट्रोल में आती है, 1197 cc का इंजन आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। अगर आप इसके BHP की बात करते, पावर की बात करते, तो 82 BHP पे 6000 RPM का पावर देती है ये। मैक्स टॉर्क की बात करते तो 115 Nm 4000 RPM पे इसका टॉर्क आता है, ठीक है। और अगर आप माइलेज की बात करते तो कंपनी क्लेम माइलेज है 18.6, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है ये। और अगर आप इस गाड़ी की लेंथ की बात करते हो तो लेंथ जो इस गाड़ी की होती है 3985 mm की होती है। ब्रेथ अगर आप इस गाड़ी की बात करते हो तो ब्रेथ में इस गाड़ी का 1734 mm का होता है। हाइट की अगर आप बात करते हो तो 1505 mm की हाइट है। व्हील बेस 2570 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दी थी 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है। कैपेसिटी इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 5 डोर आते हैं, 2 रोज आती है, और साथ में 285 L का बूट स्पेस आता है, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आप सस्पेंशन की बात करते हो तो फ्रंट सस्पेंशन इसका मैक फ्रंसन स्टेट विद कॉयल स्प्रिंग का आता है, ठीक है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर, स्टील रिम के साथ ये गाड़ी आती है।
गाड़ी के पहले इंटीरियर की ओर जाने से पहले हम डोर की बात करेंगे। तो यहाँ पे डोर आपको काफ़ी अच्छा ड्यूअल टोन में देखने को मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक के साथ ये डोर आता है। पावर विंडो और आरवीएम मिरर के कंट्रोल्स, यहाँ पे एलुमिनियम फिनिश में डोर ओपनर देखने को मिल जाता है। 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ डॉक्यूमेंट रखने की जगह, यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है। बुलेट ट्विटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और मतलब अगर आप सीट की बात करोगे तो सीट में गाड़ी के यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलता है। ये सीट रिक्लाइन करने को देखने को मिल जाता है। एक्सीलेटर क्लच ब्रेक देखने को मिल जाता है। डेड पैडल वहाँ पे दिया हुआ है। हैंड ब्रेक आता है। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आते हैं शायद गाड़ी में, नहीं इसमें स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। 5 स्पीड के साथ ये गाड़ी आती है। 20 के कंसोल की अपन बात करते हैं अंदर बैठ के। आप गाड़ी के MID की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, तो RPM देखने को यहाँ मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। बीच में MID मिलती है जिसमें आपका फ्यूल, टेम्परेचर, किलोमीटर ट्रिप सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। बाकी गाड़ी इंडिकेशन भी दे रही है, हैंड ब्रेक का, डोर का, सीट बेल्ट का, सारी इंडिकेशन गाड़ी दे रही है। अगर आप स्टेयरिंग की बात करते हो तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कॉल उठाने काटने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में यहीं पे आपको MID कंट्रोल करने का पूरा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक AC विंड देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको एक बटन दिया जाता है जिससे आप बीम एडजस्ट कर सकते हो। यहीं पर आपको आपका हेलोजन कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ वाइपर कंट्रोल देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर जो नाइट में आपको काम करता है। साथ में ये लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो हेलोजन बल्ब में आती है। और अभी इसको डोर ओपन है इसलिए लाइट जल रही है। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी मिरर या डॉक्यूमेंट रखने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे 2 AC विंड मिलते हैं, इधर 1 AC विंड मिलता है। बीच में अगर आप बात करते हो तो ये पूरा टच के साथ नहीं आता है। यहाँ पे आपके बटन दिए हुए हैं, आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आते हो तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। उसके नीचे आते हो तो कुछ यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है गाड़ी में कि आप अपनी टोल स्लिप वगैरह रख सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट और USB ऑक्स यहाँ पे से लगा सकते हो। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक गियर रहा और आर्मरेस्ट काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अपन ग्लो बॉक्स की बात कर लेते हैं तो ग्लो बॉक्स भी काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। और मैं आई थिंक आप लोग मुझे बताने कि इसका ग्लो बॉक्स कूलिंग के साथ आता है या नॉर्मल है, ठीक है। आइए पीछे वाली रो में चलते हैं और आपको बैठ के दिखाते हैं पीछे वाली रो में कैसा दिखता है। और यहाँ से शायद आप ये बटन दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक डिम हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक मतलब जो है, मुझे कोई ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा। अगर मैं पीछे का डोर ओपन करूँ तो पीछे भी गाड़ी का मतलब यहाँ पर तो आपको ड्यूल टोन देखने को मिलता ही है। साथ में यहाँ पर आपको जो है ना 10 कलर में सीट्स कवर देखने को मिल जाते हैं जो कि आगे भी दिए हुए हैं। और मतलब गाड़ी के कलर के साथ वो काफ़ी मैच करता है। और यहाँ पे भी एक AC विंड देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट के साथ नहीं आती है गाड़ी। आर्मरेस्ट आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। 5 से 6,000 में आर्मरेस्ट डल जाते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको पॉकेट देखने को मिलता है ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड। और मतलब अगर आप ये सीट अभी मेरे अकॉर्डिंग सेट है, ठीक है, और अगर आप बोलते हो कि मैं इसमें बैठ पाता हूँ कि नहीं अच्छे से, तो आइए बैठ के दिखाते हैं आपको कि मैं इसमें बैठ पाता हूँ या नहीं। तो देखो, मैं इसमें आ तो गया हूँ, बैठ गया हूँ, कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। बट ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, लेग रूम, ये नहीं है गाड़ी के अंदर। हेड रूम ये मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई लंबा बंदा बैठता है तो उसके लिए सही नहीं है। और गाड़ी मतलब लॉन्ग राइड पर अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हो तो गाड़ी कम्फर्टेबल नहीं। आगे की नो डाउट आगे की सीट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बट पीछे की सीट कम्फर्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आगे की बात करो तो आगे से डैशबोर्ड कुछ अच्छा देखने को मिलता है। टीटी की आवाज़ आ रही है क्योंकि चाबी इंसर्ट करी हुई है मैंने, डोर ओपन है इसलिए गाड़ी की टीटी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो गाइज, मैं इसी के साथ वीडियो के एंडिंग पार्ट में हूँ। अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम हैंडल अगर मेरा फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको रील्स और मेरे डेली अपडेट मिलते रहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑफिशियल कार चैनल, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा मैं आपको, तो वहाँ से आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और हाँ, मैं आपको एक वीडियो में आपको मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि यार, अगर आप लोग
को कोई भी मेरे से मतलब ऐसे कुछ गलती लगती है वीडियो एडिटिंग में, वीडियो मेरा वे ऑफ टॉक में, मेरे बिहेवियर में, तो प्लीज़ मुझे बताया करो, क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा। मुझे बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि तेरी ये गलती है तो मैं बिल्कुल उसको सुधारना चाहता हूँ, तो मैं उसको सुधारूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करो हर वीडियो का, नहीं तो कम से कम मैंने इतनी सारी वीडियो डाली, किसी भी वीडियो को उठा के देखो और उसमें क्या है। अगर मैंने गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज गलत दी है तो प्लीज़ मुझे वहाँ टोक दो कि यार भाई आपने ये नॉलेज गलत दी है, तो मैं आइंदा उस चीज़ पर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं उस चीज़ को ध्यान रखूँगा कि हाँ इन भाई ने मुझे बताया था और वो नॉलेज गलत थी। और स्पेशली मैंने एक टारगेट रख रहा हूँ मैं आज इस वीडियो के एंडिंग में कि मुझे 10K सब्सक्राइबर चाहिए, 10K 5K का, लेकिन मैंने टारगेट बढ़ाया है 10K। तो ये 10K कैसे होगा, आप वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को शेयर करोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो ये होगा अपने मतलब जो लोग होते हैं ना कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब, एक सेकंड लगता है सब्सक्राइब बटन दबा दो, दे रहो इसी तरह। और आप लोग का जितना भी अभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उतना मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। मतलब मैंने YouTube जब चालू किया था तो मैंने को नहीं मालूम था कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा, मुझे लोग जानेंगे इतना, मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा, मैं ये सब नहीं सोचता था, बट आज हो रहा है तो हाँ ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है देख के। और मैं और भी चाहूँगा कि आप लोग मेरे से और भी जुड़ो आके, है ना। और एक बाकी इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, 2 मिनट 47 सेकंड का तो वैसे भी हो चुका है, तो वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सब लोग स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, अपने घरों में सेफ रहो और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो।